दोस्तों आज आईपीएल का 39वां मैच खेला जा चुका है और ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था, जहां इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वहीं जब बेंगलोर की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही थी, क्योंकि उनका पहला विकेट ही 7 रन के स्कोर पर देवदत्त पाडिकल के रूप में गिर गया था और देवदत्त पाडिकल को बुमराह ने आउट किया था और पाडिकल अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और शिखर भारत के बीच काफी तगड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली और इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप करी, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन 75 रन के स्कोर पर राहुल चहर ने शिखर भारत को आउट कर दिया और भारत 32 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और मैक्सवेल ने मिलकर मुंबई के बॉलरों की जमकर धुलाई करी और इसी बीच विराट कोहली ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन विराट कोहली इसके बाद डेविड मिल का शिकार बन बैठे और 51 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद मैक्सवेल ने काफी ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाते हुए अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में एक के बाद एक बेंगलोर को दो बड़े झटके देते हुए मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को आउट कर दिया। जहां मैक्सवेल 56 रन बनाकर आउट हुए थे तो वहीं डिविलियर्स 11 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं इसके बाद 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद बेंगलोर की टीम ने 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए, जहां मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट हाथ लगी तो वहीं ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल और राहुल चहर को एक एक विकेट मिला और अब मुंबई को ये मैच जीतने के लिए 166 रन बनाने थे। वहीं जब मुंबई इंडियंस टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत काफी बेहतरीन रही थी। कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर पहले विकेट के लिए 57 रनों की पार्टनरशिप करी थी। लेकिन 57 रन के स्कोर पर मुंबई को पहला झटका युजवेंद्र चहल ने देते हुए क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया और डिकॉक 24 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े रोहित शर्मा इस मैच में काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में ईशान किशन के द्वारा खेले गया शॉट रोहित शर्मा के हाथ पर लग गया और उसके बाद जब रोहित शर्मा चोट लगने के बाद पहली गेंद खेलने उतरे तो उन्होंने छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन मैक्सवेल की गेंद पर वो कैच आउट हो बैठे और रोहित शर्मा 43 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। वहीं इसके बाद 81 रन के स्कोर पर ईशान किशन भी युजवेंद्र चहल का शिकार बन बैठे और किशन मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए। और वहीं इसके बाद कुणाल पांड्या को भी मैक्सवेल ने क्लीन बोल्ड मार दिया और कुणाल पांड्या बस 5 रन बनाकर आउट हुए। वहीं इसके बाद 97 रन के स्कोर पर मुंबई को 5वां बड़ा झटका देते हुए मोहम्मद सिराज ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया और सूर्य कुमार 8 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसी के साथ मुंबई की आधी टीम 97 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। और वहीं इसके बाद 106 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने हैट्रिक लेते हुए हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड और राहुल चहर को आउट कर दिया। जहां हार्दिक पांड्या 3 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं कायरन पोलार्ड 7 और राहुल चहर अपना खाता तक नहीं खोल पाए और हर्षल पटेल ने हैट्रिक ले ली है। और इसके बाद 111 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह को आउट करके मुंबई को 9वां झटका चहल ने दिया। फिर इसके बाद 111 रन के स्कोर पर मुंबई को आखिरी झटका अक्षर पटेल ने देते हुए एडम मिल को आउट कर दिया और बेंगलोर की टीम ये मैच 54 रनों से जीत गई।